हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन प्रश्नों को देखने में तो आसान समझेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। जो दिखने में आसान लग रहा है ना, वो उतना ही कठिन है। अब मैं इस सवाल की बात करूं, 11 बराबर 121, आपको अच्छे से पता है कि 11 का स्क्वायर 121 है, लेकिन 14 का स्क्वायर तो 154 नहीं होता, 16 का स्क्वायर क्या आएगा वही बताना है। तो जो लॉजिक यहां लगेगा उसी लॉजिक से आप ये संख्या फाइंड कर पाओगे। तो देखिएगा, 11 से 121 कैसे बना, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। क्या 11 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर होता है 11 × 11, आपको 121 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं 14 का मल्टीप्लाई 11 से करता हूं, तो करके देख लेते हैं भाई, 14 का स्क्वायर तो ये नहीं है, 154 14 का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इतना मेरे दिमाग में जरूर आ रहा है कि जब मैंने यहां 11 का मल्टीप्लाई 11 से किया, तो यहां मैं 14 का मल्टीप्लाई 11 से कर सकता हूं। तो 11 चौके 44 का 4, कैरी का 4, 11 कम 11, 11 में 4 जोड़ देंगे तो 15, देखो 154 हो गया, और यहां पे भी 154 है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऐसे यहां पे 16 है, जब यहां 11 से गुना किया, यहां 11 से किया, तो भैया यहां पे भी 11 से कर दो। 11 छक्के 66, हासिल के दिमाग में कितने 6, 11 कम 11 में 6 जोड़ दूंगा 17, 176 जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 225 बराबर 9। 225 अपने आप में बड़ी संख्या है 9 की अपेक्षा, लेकिन रिलेशन 9 से दिया गया। 383 भी बहुत बड़ी संख्या है 14 की अपेक्षा, लेकिन छोटी संख्या से रिलेशन है, तो यहां 417 का भी छोटी संख्या से रिलेशन बनेगा। ऑप्शन में जब आप देखोगे तो छोटी संख्या दी गई है, कोई बात नहीं, आप कैसे भी करके 225 का रिलेशन 9 से बनाइएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 225 की, तो 225 में जो संख्या इस्तेमाल हुई है 2, 2 और 5, अगर मैं इनको प्लस कर लेता हूं तो 2 और 2 4, 4 5 9, 9 मिल गया। इनको भी ऐसे प्लस करता हूं, 3 और 8 11, 11 में 3 जोड़ूंगा 14, ये भी बन गया, तो ये भी बन जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 7 12, ये भी बन जाएगा भाई, जब दोनों ऊपर के बनना है जिस लॉजिक से उसी लॉजिक से तो तीसरा भी बनना चाहिए, और बन गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 137 का रिलेशन 21 से है, 245 का 40 से है, 513 का 15 से है, 617 का किससे होगा। अब यहां पे भी बड़ी संख्या है, रिलेशन छोटी संख्या से है, तो पिछले वीडियो में वो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, सबको हमने जोड़ लिया था। अगर मैं यहां पे जोड़ू 7 और 3 10 और 1 11, तो 11 तो नहीं बना ना, 5 4 9 9 2 11 नहीं बन पा रहा, जोड़ने से तो नहीं बन पा रहा। जब जोड़ने से नहीं बन पा रहा ना, तो इस बार कुछ और करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। देखो एक संख्या 3 और 7, यही तो है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 3 का 21, 21 एकम 21, तो 21 बन गया। किसी क्वेश्चन में हो सकता है प्लस करके बन रहा है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है मल्टीप्लाई करके बन रहा है, किसी क्वेश्चन में डिवाइड भी हो सकता है। तो यहां पे देखिएगा 2 4 5 है, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 करो भैया, 5 चौक को 20, 20 दुनिया का 40 हो जाएगा, देखो 40 दिया गया है। तो ऐसे ही यहां पर करो, 5 × 1 × 3, 5 3 का 15, देखो यहां 15 दिया गया। वही यहां पर कर लो, 6 × 1 × 7, 6 7 42, 42 एकम 42, तो यहां पे 42 आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 2 2 के बराबर है, 3 6 के बराबर है, 5 120 के बराबर, बहुत बड़ी संख्या के बराबर रख दिया, तो 6 किसके बराबर होगा। थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल अगर आप कर लोगे ना, माइंड का इस्तेमाल कर लोगे, तो इस तरीके के प्रश्नों को चुटकियों में हल कर दोगे। और आज आप जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, वो भी सोचेंगे कि भाई ये लॉजिक कहां से ढूंढ के निकाला, हमारे दिमाग में नहीं था। और कमेंट करके भी बताना, 2 का रिलेशन 2 से है, तो देखो ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2, आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 × 1, यही तो होता है, 2 × 1, 2 × 1 मतलब 2 हो गया। 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जितनी संख्या फैक्टोरियल में दी गई है उससे स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई, और 1 तक जाना है। तो 3 है ना, तो 3 × 2 × 1, 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है, तो 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6। अब यहां 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, तो 5 से 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे। तो 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 × 2 = 120, और 1 से गुना, तो 120 ही रहेगा, देखो 120 ही दिया गया, सही है ना। अब दिया गया 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल में 6 × 4, वो × 5 सॉरी, फिर × 4 × 3 × 2 × 1,
देखो यहां से लेके यहां तक का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आया है 120, है ना, 5 से लेके 1 तक, 5 से लेके 1 तक 120 है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 120 है, 120 का गुणा कर दो 6 से, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 और 1 ही 0 कितना हो जाएगा 720। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है पहला ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11:50:89 क्वेश्चन मार्क, यहां पर दिया गया 63, 102, 37, 76, 105। ये जो मिसिंग नंबर है इसी का मान आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान सवाल है, ऐसा नहीं कोई सवाल मुश्किल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप संख्याओं को ध्यान से देख लीजिए, बस आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये मेरा 89 है और ये मेरा 102 है, तो 89 में मैं कितना जोड़ूं कि 102 हो जाए? आप बोलेंगे सर 13 जोड़ दीजिए, है कि नहीं। 102 में कितना जोड़ूं कि 115 हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 13 जोड़ दीजिए। क्लियर ना? तो मैं इसे पहले, हमने ये वाला कॉलम शुरू किया, ये वाला कॉलम इसलिए शुरू किया क्योंकि पहले कॉलम में मिसिंग नंबर है, तो मिसिंग नंबर वाला लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। 50 से 63 हो गया, तो 50 में कितना जोड़ें कि 63 हो जाए? आप बोलेंगे सर 13 जोड़ दीजिए। 63 से 76 होगा, कितना जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे। समझ में आया? यहां पे भी हमने 13 13 जोड़ा, यहां पे भी 13 13, तो हम यहां पे भी हम 13 13 जोड़ लेंगे, फिर यहां पे भी 13 जोड़ लेंगे। 11 में जोड़िए 13, 11 में जोड़ेंगे 13 तो 24 मिलेगा, फिर 24 में जोड़ेंगे 13, जब 24 में जोड़ेंगे 13 तो कितना हो जाएगा? 3 और 4 7, 2 और 1 3, 37 मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो मिसिंग नंबर जो है वहां पे क्या आना है? 24 आना है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है, 24 आएगा यहां पे। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 17:94 के है, 36:75 के, 59:52, 83 क्या? ध्यान दीजिए 17:94 के कैसे है, 17:94, 17 और 94 अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूं, इन दोनों को क्या मिलेगा? 7 और 4 11, हासिल लगा 1, 1 और 9 10 और हासिल का 1 11, ये मिला, ठीक है। इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया है, ऐसे ही इन दोनों को प्लस कर लूंगा, 36 प्लस 75, 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 3 और 5 3 और 7 10 और हासिल का 1 11, यहां पे भी 111 मिला, यहां पे भी 111, ऐसे ही इनको जोड़ लो, ठीक है। 59 और 52 को जोड़ लो, 59 प्लस 52 कितना मिलेगा? 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 5 और 5 10, हासिल का 1 11, यहां पे भी 111 मिला, तो यहां पे भी हमें क्या मिलना चाहिए? 111। तो 83 में हम क्या जोड़ें? 83 में हम क्या जोड़ें कि हमें 111 मिल जाए? तो सीधा सीधा पता करने का तरीका है कि 111 में से 83 को माइनस कर दो, 111 में से माइनस कर दो 83 को, तो 1 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल ले लेगा इधर से 10 हो जाएगा वो 11, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, ठीक है। यहां कितना बचा? 11 में से 1 से 10 बचा, 10 में से 8 जाएगा 2, तो 28 आएगा। यहां कौन सी संख्या आएगी? 28। देखो पहले ही ऑप्शन में 28 दिया गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न आप देखोगे 3 ट्राइंगल आपको मिलेंगे जिसमें मिसिंग नंबर ये रहा बीच में, ठीक है, ये बीच में मिसिंग नंबर है। अब देखो यहां पहले मुझे रिलेशन बनाना है, फिर यहां पर रिलेशन बनाना है, तब उसके बाद में यहां रिलेशन बनेगा, क्योंकि तीनों में सेम रिलेशन होगा। अगर मैं इस 35 में से, ये जो 35 है इसमें से 13 को माइनस कर दूं, तो देखो 35 माइनस 13 कितना मिलेगा मुझे? 22। 35 में से 13 मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिला? 22, ऊपर वाली संख्या मिली। और 22 में से फिर मैं 13 माइनस कर दूं, 22 में से फिर मैं 13 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 9। भाई 22 में से 13 माइनस कर दूंगा तो 9, इस तरीके से, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, फिर ऊपर वाली में से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा। चलिए आगे देखिए, ऐसे 35 में से 9 माइनस कर दो, यहां पे 35 माइनस 9 कितना बचेगा? 26। देखो ऊपर 26 दिया गया, और 26 में से 9 माइनस करेंगे, 26 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा? 17। 17 बचेगा, देखो यहां 17 बचा है। अब यहां पे क्या बचेगा? इसमें से इसको माइनस करना है, ये संख्या मिलेगी, फिर इसमें से इसको माइनस करना है, ये मिलेगी। तो देखिए कौन सी संख्या हमें यहां पे माइनस करनी है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इतना करने के बाद आपको ये प्रश्न होमवर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा है इसे नहीं कर पाएगा, सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।